गोंडवाना दर्शन परिवार ने मुझे इस लायक समझा कि आज के फेसबुक लाइव संवाद में मुझे अपना चर्चा करने के लिए बुलाया गया है, जिसके लिए मैं गोंडवाना दर्शन परिवार का सादर सेवा जोहार करता हूं, सेवा मान करता हूं। साथ ही गोंडवाना दर्शन परिवार के आयोजक कर्ता तिरुमाल बिच्छुवड्डी जी एवं नंदकुशर नेताम जी, आप सभी को भी मैं सेवा जोहार सेवा मान करता हूं, जिन्होंने मुझे फेसबुक लाइव संवाद में बुलाया है। सगाजनों, मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूँगा कि मैं उस गोंडवाना आंदोलन का छोटा सा सिपाही हूँ, जहाँ से गोंडवाना आंदोलन की चिंगारी निकलती है और वह छोटा सा संगठन गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन है, जहाँ मुझ जैसे नदान को एक राष्ट्रीय स्तर पे जिम्मेदारी सौंपा है और मैं उस जिम्मेदारी को निभाते हुए ताउमर गोंडवाना आंदोलन के लिए समर्पित प्रयासरत रहूँगा। राजा पानी। आवाज तो मेरे कान में दे। सर स्टार्ट हो, सर स्टार्ट हो, बनते ही नहीं है मंत्री, ये चल रहा है। सगाजनों, माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये मेरा प्रथम बार है जो मैं आपके समक्ष फेसबुक लाइव आ रहा हूँ और आया हूँ, क्योंकि मैं बोलना मुझे नहीं आता, मैं बहुत कम बोलता हूँ, कैमरे के सामने मैं आज तक बोला नहीं है, मैं सिर्फ कलम चलाता हूँ, कलम चलाने की मुझे आदत है और कलम चलाने के लिए मैं थोड़ा सा सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए माफ़ी चाहूँगा कि यदि मैं मेरे लफ्जों से कुछ भी त्रुटि होवे या कुछ अन्य शब्दों को लेकर गलत उच्चारण हो तो मुझे माफ़ करने का कोशिश करेंगे, धन्यवाद। सगाजनों, मैं बताना चाहूँगा कि अभी तीन दिन से मैं इतना थोड़ा सा बिजी हो गया था, क्योंकि अभी हमारा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का एक विशाल कार्यक्रम, मैं थोड़ा सा बिजी था, इस कारण आप मुझे हैरान चेहरा उदास चेहरा देखते होंगे, क्योंकि कुछ कारण मैं अभी इतना ज़्यादा बिजी हो गया तो मुझे उतना अभी रिलीफ नहीं मिल पाया, इसलिए मैं अपना विचार कम शब्दों में ही पूरा करने का कोशिश करूँगा और मैं प्रयास करूँगा, मैं आप लोगों के सामने एक नई ऊर्जा के साथ अपनी बात आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूंगा। साथियों, मैं थका नहीं हूं, बस मुझे मेरा शरीर ने थकाया है,
लेकिन आप सभी का प्यार और सहयोग और आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद नई ऊर्जा भर दिया है हम सभी युवाओं में, और हम सभी युवा इस ऊर्जा के साथ, इस ऊर्जा को लेकर आगे निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे और सगाजनों, मुझे बड़ी खुशी इस बात की होती है कि इस विश्व का सबसे एकमात्र बड़ा संगठन जो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन है, जो आपने अभी दो दिन पूर्व, आज से एक दिन पूर्व आपने सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे क्रांतिकारी युवाओं और मातृशक्ति युवा शक्ति के साथ जोश और जज्बा और जुनून के साथ देखा होगा। सगाजनों, आपने देखा होगा कि जीएसयू परिवार ने दो दिन के 12 घंटे, प्रथम दिन के 12 घंटे और दूसरे दिन के 13 घंटे, कुल मिलाकर 25 घंटे का यह कार्यक्रम फेसबुक लाइव में कार्यक्रम कराना लगातार कोई कम बात नहीं है। और मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रकार का फेसबुक सोशल मीडिया सोशल नेटवर्क में कार्यक्रम कराना विश्व का गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन एकमात्र संगठन बना है जिसने 25 घंटे में गोंडवाना भूखंड के तमाम कोने कोने से युवा साथियों को लेकर, जीएसयू परिवार को लेकर अपना कार्यक्रम किया और इतिहास रच दिया। और इस पूरे कार्यक्रम में सगाजनों, में बताना चाहूँगा कि इस पूरे कार्यक्रम में, ये दो दिवसीय कार्यक्रम में हमारे भारत देश ही नहीं, विदेश से लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए और हमारे जीएसओ परिवार को मार्गदर्शन किए, आशीर्वाद दिए, जिनके लिए मैं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के तरफ से उन तमाम सगा पाड़ियों का हार्दिक सेवामान करना चाहता हूँ। सगाजनों, हमारे दो दिवसीय कार्यक्रम में 523 लोगों की सहभागिता के साथ हमारा जीएसयू परिवार को तत्कालीन दर्शक दीर्घा में लगभग 1,37,000 लोगों ने इस जीएसयू परिवार को लाइव देखा था। और आज की संख्या यदि देखा जाए, क्योंकि मैं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हूँ, सोशल आईटी सेल का थोड़ा सा काम करता हूँ, तो मैंने सुबह ही जब मैं जीएसयू इंडिया का फेसबुक पेज उसका लाइव शीर्षक देख रहा था तो लगभग 1,80,000 की संख्या पहुंच चुकी थी। तो बड़े हर्ष की बात है सगाजनों कि जीएसयू परिवार को पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व देख रहा है। और खुशी इस बात की होती है कि गोंडवाना आंदोलन का एकमात्र संगठन गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन भविष्य का ताकत है, और उस ताकत में हमारे क्रांतिकारी युवा जोश और जुनून के साथ कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं, जिनके लिए मैं सेवामान पुनः करना चाहूँगा। सगाजनों,
सगाजनों, हम युवा इसी जोश, जुनून और जज्बा के साथ गोंडवाना आंदोलन का पुनः उद्धार करेंगे। और भरपूर कोशिश करेंगे कि गोंडवाना आंदोलन का बदलाव हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस बदलाव की क्रांति को लेकर हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सगाजनों, हमने ये महसूस किया है कि जब हम इतने बड़े कार्यक्रम को एक राष्ट्रीय स्तर पे, वो भी वैश्विक महामारी कोरोना COVID-19 के चलते हुए, तो जिससे यह पता चलता है कि हम हर क्षेत्र, हर स्तर में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी साथियों को मैं हृदय से सेवा जोहार करता हूं। मुझे और मेरा GSU परिवार को विश्वास है, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन आने वाले समय में कोयतुर भारत को बनाकर रहेगा। ये हम आज कसम खाते हैं। युवाओं को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भी कसम खाएं और कोयतुर भारत निर्माण के लिए संकलित हों। सगाजनों, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन जिस तरह से अपनी तीव्रता के साथ गोंडवाना आंदोलन के लिए कार्य कर रहा है, जिस जोश और जुनून के साथ हमारे क्रांतिकारी युवा साथी कार्य कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि गोंडवाना राज्य का सपना कोई ज़्यादा दूर नहीं है। जल्द ही हम इस सपने को साकार करने का प्रयास करेंगे। राजा पानी लेके सगाजनों, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का संगठन की जो कार्य प्रणाली है या उसकी जो नींव है, उसके जो संगठनात्मक ढांचे हैं, जिसमें एक मैनेजमेंट जो टीम है, समय प्रबंधन, हमारे लिए मुख्य है। जो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन समय के साथ एक एक कदम का सफर अच्छे से बखूबी चलने का प्रयास करता है, जिसके लिए तमाम युवा साथियों का सहयोग भरपूर मिलता है, चाहे वो ब्लॉक स्तर का कार्यकारिणी हो या तहसील स्तर का कार्यकारिणी हो, जिला स्तर का कार्यकारिणी हो या फिर राष्ट्रीय स्तर का कार्यकारिणी हो। हमारे संगठन में
हमारे संगठन में प्रकोष्ठ प्रकोष्ठ की जो संख्या है वो हर स्तर का प्रकोष्ठ बनाया गया है, जहाँ हमारे युवा साथियों को, हमारे छात्रों को हर प्रकार की गतिविधियों से जानकारी मिलेगी, हर प्रकार की गतिविधियों से उनको जानकारी मिलती रहेगी, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रकोष्ठ हो, शिक्षा प्रकोष्ठ हो, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ हो, क्रीड़ा प्रकोष्ठ हो, तमाम प्रकार के जो प्रकोष्ठ हैं उन सभी प्रकोष्ठों में हमारे छात्र छात्राएं को ऊर्जा मिलती रहती है, उनको समय समय पर मार्गदर्शन मिलती रहती है। और इन्हीं प्रकोष्ठों के साथ मैं बताना चाहूँगा साथियों, इन्हीं प्रकोष्ठों के साथ हमारे साथ हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, मार्गदर्शक हैं, शुभचिंतक हैं, सभी सगा पाड़ी हमें हमारा जीएसयू परिवार को मार्गदर्शन देने के लिए, सहयोग देने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। सगाजनों, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन एक नियमबद्ध, रचनात्मक, तथ्यात्मक एवं वास्तविक को मान्यता रखते हुए प्रकृति सम्मत विचारधारा को लेकर गोंडवाना आंदोलन के लिए कार्य कर रहा है, जिसका स्वरूप एक नियमावली के अंदर समाया हुआ है। और हम सभी, हमारा जीएसयू परिवार उस नियमावली के अंदर रहकर उस नियमावली का पालन करते हुए गोंडवाना आंदोलन के लिए कार्यरत हैं। और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की आत्मा, कहने चाहिए दिल, कोया पुणे में, जहां से कहना चाहिए कोया पुणे संपूर्ण प्रकृति में समाहित है, और इस आत्मा को लेकर गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन आज पूरे देश, पूरे विश्व, गोंडवाना भूखंड के चारों ओर कोने कोने अपना झंडा गाड़ रहा है और अपना परचम लहरा रहा है। गोंडवाना स्टूडेंट साथियों, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन बौद्धिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास की ओर लगातार कार्यरत है। और इस बौद्धिक विकास और सामाजिक विकास के लिए गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन हमेशा कार्य करते रहेगा और काम करते रहेगी। और तभी हम इस समाज, इस देश की दशा और दिशा बदलने में सक्षम रहोंगे। क्योंकि हम प्रकृति सम्मत और प्रकृतिवादी हैं, प्रकृति को मानने वाले कोई तुड़ हैं, कोई अवंशी हैं, इस गोंडवाना भूभाग के गोंड हैं। और यहाँ की व्यवस्था
प्राकृतिक है और प्रकृति से भरा हुआ है। सगाजनों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन नेतृत्व क्षमता को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व के लिए इस गोंडवाना आंदोलन के लिए काम करती है, चाहे उसका स्तर राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या सामाजिक क्षेत्र हो, या धार्मिक क्षेत्र हो। हर स्तर पे गोंडवाना आंदोलन के हर स्तर पर गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन काम कर रहा है। और आशा करते हैं और चाहत भी रखते हैं कि हमारे नौजवानों का जो वर्तमान कार्य की गतिविधियां हैं उनके परिणाम स्वरूप हमको एक दिन सफलता मिलेगी। साथ ही आशा रखते हैं कि हम सफल हों। क्योंकि हम युवा वो जिम्मेदारी निभाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ कर जाएं। जैसे कि हमारे लिए, आज के लिए, हमारे युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे पुरखे लिंगोवास दादा तिरुमाल मोतीरावण कंगाली जी, दादा तराम जी, सुनील सिंह तराम जी, जिन्होंने साहित्य का ज्ञान देकर गोंडवाना दर्शन को दिखाकर हम सभी युवाओं को एक मसाल दिए हैं, प्रकाश दिए हैं, जिनको हम पढ़कर, सुनकर, समझकर आज गोंडवाना आंदोलन के लिए कार्य कर रहे हैं। और हमारे पुरखों ने वो मसाल पैदा की है आज के युवाओं के लिए, जो या उनके बताए अनुसार, उनके बताए रास्तों में हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं उस नायक को, उस महानायक को, उस रत्न को बारंबार सेवा जोहार करना चाहूँगा, उनके चरणों में सेवा जोहार करना चाहूँगा, जिन्होंने आज के युवाओं को एक ऐसा रास्ता बताया है जो गोंडवाना आंदोलन के लिए चिंगारी है। आदरणीय दादा गोंडवाना रत्न समग्र क्रांति आंदोलन के जनक दादा हीरा सिंह मरकाम जी के विचारों से आज का जो फौज है, कहना चाहिए आप जो देख पा रहे हैं या देखने का अपने देख पा रहे हैं, वह फौज एकमात्र संकेत या कहना चाहिए
आदरणीय दादा मरकाम जी के बताए गए रास्ते, उनके दिशा निर्देश और मार्गदर्शन से आज युवाओं में जुनून, जोश और जज्बा जो छाया हुआ है और उनके विचारों से जन्मा हमारा गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन आज पूरे देश में फूल रहा है। सगाजनों, हम हमारी रीति परंपरा में जो संकट मंडरा रहा है, हम कोशिश करेंगे कि हमारे रीति नीति नेंग सेंग जो हमारी सांस्कृतिक है, संस्कृति है, उनको कभी आज ना आने देने के लिए हम हमेशा अग्रसर रहेंगे। और हमारे युवा, हमारा जीएसयू परिवार उस दिशा में गोंडवाना की विरासत को बचाने के लिए लगातार रात दिन प्रयासरत हैं। मैं साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन संविधान की 8वीं अनुसूची में हमारी मातृभाषा गोंडी भाषा पाना पारसी को सम्मिलित कराने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है और साथ ही कोयपुनेम धर्म कोड लाने के लिए भी लगातार संघर्ष कर रहा है। और हम वादा करते हैं कि 2021 में कोयपुनेम कोड को लेकर संघर्ष करेंगे, जिसमें आप सभी सगापाड़ियों का सहयोग, तन मन धन से जरूरी है। सगाजनों, चाहे वो कोयपुनेम को लेकर हो, इस धर्म कोट को लेकर हो, सारे नेंग और दस्तूर हम कोयवंशियों के लिए बंधे हुए हैं और हम उसके पूरक हैं। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन संविधान को लेकर 24 घंटे सजग रहता है और उस दिशा की ओर कार्य कर रहा है, चाहे वो रूढ़ी प्रथा की तमाम गतिविधियां हो, 5वीं अनुसूची 8वीं अनुसूची के लिए कार्य करने के लिए गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन आज संघर्षशील है।
बताना चाहूँगा सगाजनों, आज हम रूढ़ी प्रथा की जो बात करते हैं वह अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विधि की जननी है, जिसके लिए हम आज इस देश के संवैधानिक दायरे में रहकर संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सगाजनों, मैं बताना चाहूँगा कि इस देश के अंदर जितने भी धार्मिक विधान बने हैं, वे सभी इस रूढ़ी प्रथा के दायरे में रहकर ही उनका निर्माण किया गया है। इसलिए मैं आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से तमाम युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि हम हमारी रूढ़ी प्रथा को बचाने के लिए संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे और इसी रूढ़ी प्रथा को बचाने के लिए आज गोंडवान स्टूडेंट यूनियन जमीन पर काम कर रही है। क्योंकि सगाजनों, हमारे साथ, हमारे जीएसयू परिवार के साथ साहस है, और साहस है तो सफलता है। सगाजनों, मैं बताना चाहूँगा गोंडवान स्टूडेंट यूनियन गीत संगीत जो हमारी संगीत की विरासत है, नृत्य की विरासत है, इन सभी विरासत को बचाने के लिए भी संघर्ष किया जा रहा है। मुझे ध्यान आया साथियों कि मध्य प्रदेश सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष अपने प्रोफाइल टाइमलाइन में एक नाचते हुए वीडियो अपलोड की थी, जहां न जाने हमारे तमाम साथियों ने वहां क्या क्या कमेंट किया था, जिसको लेकर मैं बताना चाहूँगा साथियों कि संगीत की विरासत, संगीत की ध्वनि, संगीत के अंतरों को समझने, उनको जानने या उनको जानने के लिए हमें समझना होगा। सगाजनों, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन एक शोध संस्था भी है, जहां हमारे युवा रिसर्च की ओर जाने का प्रयास करते हैं, रिसर्च करते हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण हमारा पवित्र स्थल कचारगढ़ की भूमि है, जहां गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन परिवार के शोधकर्ता कार्बन
कार्बन डेटिन का शोध करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन हमारा जीएसयू परिवार ये जानने का प्रयास कर रहा है किस पवित्र स्थल हमारा जो पवित्र स्थल कचारगढ़ है उनकी चोटियाँ, उसकी मिट्टी, उसके जो चट्टान कितने वर्षों से इस भूमि में समाहित हैं, इन सभी को जानने के लिए हमारे गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन हमारा जीएसयू परिवार आज शोध का कार्य कर रहा है। क्योंकि बताना चाहूँगा साथियों कि जब हमारे मकान में हमारा नेम प्लेट लगा होता है तो एक सुंदर और चिन्हित रहता है, इसलिए इसलिए हमारा जीएसयू परिवार हर स्तर पे काम कर रहा है। क्योंकि आज के वर्तमान में दूसरे लोग हमारा नेम प्लेट लगाकर मौका का फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे, हमारा जीएसयू परिवार कोशिश करेगा कि हमारे गोंडवाना की जितने भी धरोहर हैं, चाहे वो किला हो, धार्मिक स्थल हो, किला हो, महल हो, टोटम हो, ये जो तमाम जो हमारी विरासत है उन सभी को सहेजने के लिए हमारा जीएसयू परिवार लगातार 24 घंटे कार्यरत है, संघर्ष कर रहा है और काम कर रहे हैं। सगाजनों, हमारी युवाओं में वो जोश है, वो जुनून है, वो ताकत है जो हर बंजर भूमि में गोंडवाना की फसल, गोंडवाना का बीज उगाने के लिए ताकत रखता है। सगाजनों, मैं बताना चाहूँगा कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन मात्र यूनियन नहीं है, भविष्य में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन गोटुल का स्वरूप रखेगा। जहाँ प्रकृति सम्मत सब चीज़ों का सीखने का प्रयास करेंगे, चाहे वो हमारा पाबुन हो, पड्डुम हो, मेजान हो, नेंग हो, सेंग हो, हमारी जो कोयतुड़ व्यवस्था, कोयपुनेम की जो व्यवस्था है, कोयपुनेम का जो रचना है, ये सारी चीज़ें हम उस गोटुल व्यवस्था, उस गोटुल से सीखने का प्रयास करेंगे। सगाजनों, आज गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का वो स्वरूप, वो कतार, वो ताकत गोंडवाना आंदोलन की
सपना पूरा करने का प्रयास कर रहा है, जिसके लिए आप सभी गोंडवाना के लोगों को गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की ओर से मैं अपील करना चाहूँगा, हम सब एक होकर मजबूत होकर इस गोंडवाना आंदोलन के लिए, इस गोंडवाना दर्शन के लिए कार्य करें और गोंडवाना आंदोलन को मजबूत बनाएं। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा साथियों कि अभी दो दिन ही, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 24 घंटे में, 24 घंटे के पूर्व गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ने सोशल मीडिया में वो ताकत दिखाई है, उस ताकत को देखते ही हमारे विरोधी साथियों की पसीना छूट गया है। सगाजनों, हमारा परिवार, हमारा आंदोलन गोंडवाना की जमीन, गोंडवाना का जल, गोंडवाना की जंगल के लिए भी काम कर रहा है, जिसके लिए गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन मुकदमी व्यवस्था को जीवित करने के लिए, उस व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए काम कर रही है, जहां ग्राम सभा का स्वरूप इस देश की संविधान में मुख्य है, उसे पुनः स्थापित करने का प्रयास आज हमारा परिवार कर रहा है। सगाजनों, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन व्यवसाय, आर्थिक, पैसा, रोजगार, इन तमाम जो हमारी आवश्यकता है, इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हर स्तर पे, हर स्वरूप पे काम करने का प्रयास कर रही है और हमारे युवा हर गतिविधियों में प्रवेश होकर, इन्वॉल्व होकर गोंडवाना आंदोलन को मजबूत करने के लिए अपनी ताकत झोंक दिए हैं। मैं उन क्रांतिकारी युवाओं को सेवा जोहार करूंगा जो लगातार 24 घंटे दिन रात मेहनत कर गोंडवाना आंदोलन का सपना साकार करने के लिए आज मेहनतदार हैं, प्रयासरत हैं, संघर्षशील हैं। सगाजनों, मैं बताना चाहूँगा गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन वो खेत है जहाँ से हर प्रकार का बीज बोकर, हर प्रकार का फसल उगाया जाएगा, चाहे वो प्रशासनिक स्तर का हो, व्यवसाय को लेकर हो, सभी स्तरों में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन से जन्मे कार्यकर्ताओं को परिपक्व बनाया जाएगा। साथियों, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का एक एक कार्यकर्ता, एक एक क्रांतिकारी युवा इस देश के कोने में, इस गोंडवाना भूखंड के कोने में
कहीं भी चला जाए, हमारी पहचान, हमारी सामाजिक पहचान, हमारी सामाजिक पहचान की छाप उस धरती पर अवश्य छोड़ेगा। सगाजनों, मैं जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं मुझे बोलना उतना नहीं आता जितना मैं लिख पाता हूँ, तो एक मैं छोटा सा पत्रकार पत्रकारिता में भी अपना रुचि बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारा गोंडवाना समय, दैनिक अखबार मैं काम करता हूँ, जहाँ मैं बताना चाहूँगा एक गोंडवाना समय का छोटा सा दर्द, लेकिन कड़वा दर्द है। आज गोंडवाना समय उस दौर से गुजर रहा है जहाँ हम लोगों का साथ मिलना आवश्यक है, आप लोगों का साथ मिलना आवश्यक है। क्योंकि अभी ही संपादक महोदय से मेरी बात हुई, संपादक महोदय जी ने मुझे एक लेटर भेजा है कि कमलेश भाई, ये हमारे लिए आया हुआ है। क्योंकि 15 मई को जो एक खबर प्रकाशित की गई थी गोंडवाना समय में, जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नोटिस पहुंचाया है माननीय संपादक महोदय विवेक डेहरिया जी के लिए, तो मैं चाहूँगा आपसे इस फेसबुक लाइव के माध्यम से गोंडवाना समय दैनिक अखबार को पूरे देश में एक जनता की आवाज़ बनाकर उभराने का प्रयास करें, गोंडवाना समय परिवार को मदद करें। क्योंकि गोंडवाना समय दैनिक अखबार में मैं छोटा सा पत्रकार हूं, और हम संपादक महोदय, हमारा गोंडवाना समय परिवार किस संघर्ष से, किस दौर से गुजर रहा है वो हम ही जानते हैं। मैं क्योंकि मैं बताना चाहूँगा साथियों, आज हमारे पास मीडिया नहीं है, हमारे पास मात्र सोशल मीडिया है, जिसके माध्यम से मैं आपके सामने अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि हमारा गोंडवाना समय परिवार के ऊपर जो कार्रवाई करने की बात कर रही है मध्य प्रदेश सरकार, मैं चाहूँगा कि इस गोंडवाना समय को सहेजने के लिए आप अपना तन मन धन से सहयोग करने का प्रयास करें। और साथ ही गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, गोंडवाना दर्शन पत्रिका, बड़े खुशी की बात है सगाजनों कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, गोंडवाना दर्शन पत्रिका के नाम से एक साप्ताहिक अखबार बहुत जल्द निकालने का प्रयास कर रही है। हमारा पत्रकार जो लोग हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो सभी लोग इस गोंडवाना दर्शन पत्रिका के लिए जुटे हुए हैं। बहुत जल्द आपके समक्ष गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन द्वारा गोंडवाना दर्शन पत्रिका का आगमन आपके समक्ष हो जाएगा। मैं आज गोंडवाना दर्शन परिवार से अपील करना चाहूँगा कि जैसे ही मैं अभी बोला कि मैं हमारा जीएसयू परिवार गोंडवाना दर्शन पत्रिका को पुनः स्थापित करने में प्रयास कर रही है, मैं चाहूँगा कि गोंडवाना दर्शन के समस्त परिवार सगापाड़ियों से अपील करना चाहूँगा कि गोंडवाना दर्शन पत्रिका को स्थापित करने में अपना तन मन धन सहयोग प्रदान करें।
क्योंकि सगाजनों इस गोंडवाना दर्शन के मुख्य संपादक दादा सुनीर सिंह तराम जी थे, जिन्होंने इस गोंडवाना दर्शन में हम सभी को वो दर्शन दिखाया है जो आज हम बोल पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि दादा के सम्मान में, दादा को समर्पण के लिए गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन गोंडवाना दर्शन पत्रिका का निर्माण फिर से जारी करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि बताना चाहूँगा साथियों कि गोंडवाना दर्शन पत्रिका जब प्रकाशित हुई तो इस देश के अंदर, इस गोंडवाना के लोगों के अंदर एक नई क्रांति आ गई थी। लेकिन दादाजी के जाने के बाद एक वो प्रकाशन रुकी हुई है, जिसे संचालित करने के लिए, पुनः शुरू करने के लिए गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन आज काम कर रही है। मैं गोंडवाना दर्शन परिवार से आग्रह करना चाहूँगा, यदि आप हम विद्यार्थियों से अपेक्षित हैं सहयोग के लिए, तो हम सभी विद्यार्थी, हमारा जेएसयू परिवार आपको सहयोग करने के लिए अग्रसर है, आपके साथ है। क्योंकि गोंडवाना दर्शन पत्रिका को सहयोग करने के लिए गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन भरपूर सहयोग करेगी। एक एक हमारा क्रांतिकारी युवा इस पत्रिका को लेकर अपना तन मन धन सहयोग करेगा, क्योंकि ये हमारे लिंगोवासी दादा तराम जी का प्रतीक है। क्योंकि सगाजनों, क्योंकि हमारे लिंगोवासी दादा तराम जी के जो साहित्य हैं, यही समाज के लिए बने हैं, यही समाज की रीढ़ की हड्डी है। और जब रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी तो हमारा समाज भी मजबूत होगा। मैं उन तमाम साहित्यकारों का चरणों में सेवा जोहार करता हूँ कि आप सभी अपने विचारों से, अपने चिंतन से, अपने कलम से इस गोंडवाना के लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप सभी का प्रयास है, आप सभी का परिणाम है, आप सभी का दर्शन है कि आज हम बोल पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं और लिख पा रहे हैं। मैं उन चिंतनकारों के चरणों में भी सेवा जोहार करना चाहूँगा, सेवा जोहार करता हूँ कि आज के
युवाओं की दिशा को बदलने के लिए उनका बौद्धिक चिंतन महत्वपूर्ण है। मैं आदरणीय डॉक्टर सूर्या बाली जी के चरणों में सेवा जोहार करना चाहूँगा, उनको मेरा सेवा जोहार अर्पित करूँगा, क्योंकि आज के युवाओं के लिए आज की युवाओं की सोच को बदलने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा साथियों कि हमारा जब दो दिवसीय कार्यक्रम था और हमारे चेतनकार, हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर सूर्या बाली जी अभी आश्वस्त हैं, इसके बावजूद भी जीएसयू परिवार के लिए उन्होंने अपना ध्यान, अपना चिंतन इन 24 घंटों में समर्पित किया, जिनके लिए मैं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के तरफ से सेवा जोहार करता हूँ, सेवा मान करता हूँ। मैं सगाजनों मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 48 घंटों में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ने जो कार्य किया है, तहलका मचाया है, धूम धड़ाका किया है, ये सभी इस गोंडवाना आंदोलन को, गोंडवाना समाज को समर्पित है और इसका श्रेय हमारे समाज को जाता है। क्योंकि समाज के बिना हमारा परिवार अधूरा है, क्योंकि सगाजनों मैं बताना चाहूँगा कि आधुनिकता के युग में हमारे आज के युवा क्रांतिकारी वीरों को, सूरवीरों को तकनीकी की दुनिया में ले जाना चाहेंगे और ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपने पिछले 48 घंटों में एक एक क्रांतिकारी का लाइव वीडियो जीएसयू इंडिया के माध्यम से देखा होगा। सगाजनों हम प्रकृति को भी लेकर चलते हैं और विज्ञान के साथ भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और भविष्य में भी चलते रहेंगे। सगाजनों 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 हम हर स्तर, हर क्षेत्र, हर दिशा में काम करने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। बस हम गोंडवाना के लोगों, गोंडवाना के सिपाही, गोंडवाना के शुभचिंतक, उन सभी तमाम सगा पाड़ियों से अपेक्षा रखते हैं कि गोंडवाना आंदोलन का भविष्य को पहचाने और मदद करने के लिए आगे आएं।
मैं बताना चाहूँगा साथियों कि मेरी पिछले दो दिन से स्वास्थ्य गड़बड़ चल रही थी, इसके बावजूद भी मैं अपने जीएसयू परिवार के लिए समर्पित भाव से मुझे जितना बना उतना योगदान दिया और आज भी गोंडवाना दर्शन परिवार के लिए मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से लाइव हूँ। इसलिए माफी चाहूँगा सगाजनों कि मैं उतने ढंग से बोल नहीं पा रहा हूँ जितना आप अपेक्षा कर पा रहे हैं मुझसे। सगाजनों, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन हर क्षेत्र में काम करने का प्रयास कर रही है और करते रहेगी। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन हमारी मातृभाषा गोंडी भाषा को लेकर भी जोर शोर से काम करने का प्रयास कर रही है। गोंडी भाषा के सीखने के लिए, सिखाने के लिए हर ब्लॉक, हर जिले स्तर में कोचिंग क्लासेस लगाने का प्रयास कर रहे हैं हमारे गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता। गोंडी भाषा पढ़ाने और लिखाने के लिए काम कर रहे हैं, साथ ही हर स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाएं, उन सभी चीज़ों को लेकर गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन आज काम कर रही है। क्योंकि जीएसयू जब मजबूत होगा तब हमारा समाज मजबूत होगा, और समाज मजबूत होगा तब हमारा परिवार मजबूत होगा, और जब हमारा परिवार मजबूत होगा तो हमारा गोंडवाना आंदोलन मजबूत होगा। सगाजनों, आज हम जिसकी कल्पना कर पा रहे हैं वो भी मजबूत होगी और उसी दिशा में हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के परिवार एवं गोंडवाना भूखंड के सभी युवा साथियों से अपील करता हूँ कि हम हमारी गोंडी भाषा, हमारी कोयपुने, सभी विरासत को लेकर लेखन कार्य करें, उसके लिए अपना चिंतन करें। क्योंकि गोंडवाना दर्शन पत्रिका पुनः स्थापित होने जा रहा है, जिसमें आने वाली पीढ़ी, आने वाली भविष्य के लिए हम अपना विरासत, अपना इतिहास सहेज कर रखेंगे। और उन युवाओं से भी अपील करना चाहूँगा कि गोंडवाना आंदोलन को मजबूत करने के लिए गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन से जुड़ें। क्योंकि आज भी हमारे युवा कभी कांग्रेस के कुछ दलों में, कभी भाजपा के कुछ दलों में दिखाई दे रहे हैं, उनमें कार्यरत हैं। उन तमाम सभी
कोई तो युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि गोंडवाना आंदोलन को मजबूत करने के लिए गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन से जुड़ने और गोंडवाना आंदोलन को मजबूत करें। सगाजनों, मैं अपनी बाड़ी को यही विराम देना चाहूँगा। क्योंकि थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है, इसलिए मैं ज़्यादा बोल पाने में सक्षम नहीं हूँ। इसलिए मैं गोंडवाना दर्शन परिवार से चाहूँगा कि यदि जीएसयू परिवार से हर स्तर की जानकारी, हर प्रकार की सुझाव, हर प्रकार का मार्गदर्शन यदि जानना चाहेगा हमारा गोंडवाना दर्शन परिवार, तो हमारे जीएसयू परिवार में वो सभी जबाज शोधकर्ता, मार्गदर्शक, चिंतनकारी युवा हैं। उन सभी युवाओं को इस गोंडवाना दर्शन परिवार में मार्गदर्शन के लिए, सुझाव के लिए, चिंतन के लिए उनको बुलाया जाए। क्योंकि हमारे पास एक से बढ़कर एक प्रवक्ता, शोधकर्ता, चिंतनकार, सभी प्रकार के युवा तैयार बैठे हैं और तैयार हो रहे हैं। इसलिए मैं गोंडवाना दर्शन परिवार से बात करूंगा कि हमारे जीएसयू परिवार के युवा प्रतिभा दिखाने के लिए आतुर हैं, उन्हें आप